सो गाइस मैं इसकी बात करूँ आपसे, देखिए ये कितनी सही लगती है पीछे से, क्या ही दिखती है ये। मतलब हमारे घर में हर रूम में गैलरी है, किचन में गैलरी है, तो हमने घर नहीं गैलरी ली है। वेलकम बैक गाइस एक न्यू व्लॉग के अंदर। सुबह हमारी आज तो लेट हुई थी, मैं 11 बजे का उठा हूँ क्योंकि दवाई लिया था, मेरे से ज़्यादा नींद आ गई होगी। सो उठ के हमने वजू कर लिया है, कुरान पढ़ लिया है, पीछे सजान हुई है, टाइम हो रहा है 12, एक बजने वाली है, एक बजने में 1 मिनट बाकी है। सो थोड़ा टाइम बाद नमाज के लिए जाएंगे। अभी मैंने नया व्लॉग डाला है तो जाइए व्लॉग देखिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो। मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर व्लॉग डालने की, एंड लास्ट जो व्लॉग पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उसके लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आज मैं आप लोगों को हम लोगों का नया घर दिखाऊंगा जो करंटली कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि जो इंटीरियर के काम होते हैं वो चलो उसके अंदर। सो मेरा भाई अभी आ गया है, नॉक करते दरवाजे पे, एंट्री लेते हैं ना ऐसा। सो हे गाइस, अब हम आ गए हैं हमारे न्यू घर में। आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर शीट्स पड़ी हुई है, यहाँ पर फर्नीचर काम स्टार्ट है। यू कैन सी टेलीकॉम भी कवर है, दरवाजे की बुरी हालत हो रही है, तो नो वरी, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। देन मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा कैसे हुआ है, ये कैसा एंड अप हुआ है प्रॉपरली। एंड यहाँ से सेम व्यू मस्त आता है, एंड यहाँ का बेस्ट ये है कि यहाँ पर छाव रहती है क्योंकि यहाँ की दीवार बहुत बड़ी है इस वजह से, तो धूप का एंट्रेंस है ही नहीं हॉल में, सबसे बेस्ट थिंग है। एंड यहाँ से शुरू होता है हमारा किचन। किचन के लिए कैबिनेट्स एंड लग चुके हैं, यहाँ पर भी लग चुके हैं, ऑलमोस्ट सब चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर फ्रिज आएगा, ये पहले यहाँ पर था, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा, ये तरफ था, इसको हमने तोड़ के वहाँ शिफ्ट किया था कि फ्रिज इधर आए, थोड़ा फ्री रहे। एंड यहाँ पर वॉशिंग मशीन की प्लेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गोनियाँ पड़ी है, मे बी कुछ काम की होगी। एंड पानी यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, ओके मुझे लगा बंद करके रखा है। एंड आप जो ये टाइल्स देख रहे हो, ये टाइल्स रूम में लगी हुई है, मे बी वो इससे कवर हो रही है कार्डबोर्ड से, जितनी देखिए मैं आपको उतनी दिखाऊंगा, दिखता हूँ। सो गाइस मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपसे, देखिए ये कितनी सही लगती है पीछे से, क्या ही दिखती है ये। एंड अभी तो यहाँ पर ये आई थिंक इसमें कुछ है, खाली है ये, ओके। लेकिन आप सिर्फ देखिए यार, क्या ही लुक आता है। अभी यहाँ पर आएगा, ऊपर से भी लगेगी, यहाँ पर इनके फर्नीचर्स एंड ऑल हैं, यहाँ पर हमारी स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल है, ये फर्नीचर है, यहाँ पर आप ड्रॉ देख सकते हो वो। अभी यहाँ पर काम स्टार्ट है, काम ख़त्म नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर भी एक गैलरी है, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। मतलब हमारे घर में हर रूम में गैलरी है, किचन में गैलरी है, तो हमने घर नहीं गैलरी ली है। यहाँ पर भी थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी ऊपर है, हाइट पर अच्छा है, हवा मस्त आती है। आप लोगों में भी विंड वाइज नहीं आएगी क्योंकि एंड टाइम पे तो मैं क्रॉप कर ही देता हूँ, लेकिन अभी हवा आती है, हर जगह से हवा आती है। सो ये है हमारा थर्ड रूम, जिसके स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो एक हाफ सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर स्टोरेज है इसका, ये कहीं और फिक्स करेंगे या फिर इसे यहाँ पर कट करके यहाँ पर एंटर होगा। एंड ये यहाँ पर है सबसे बड़ा हमारा जो कबाड़ दिया है, वार्डरोब दिया हुआ यहाँ का, इसकी हाइट देखो भाई, आप देखो एक बार कि मैं खास 11 का हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये कितना बड़ा है, मतलब क्या हिसाब से बनाया हो, यहाँ पर हाइट किसकी आएगी, इतना उल्टा लंबा कौन आएगा हमारे घर में। एंड आप ये देख सकते हो क्या ही दिख रही है ये टाइल्स, मतलब मज़ा ही आ गया। अब यहाँ पर भी कवर होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये। एंड यहाँ का व्यू थोड़ा डिफरेंट है जब भी हम करंटली रहते हैं वहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर फुल ओपन है, ये तरफ बिल्डिंग जैसा है थोड़ी, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर फुल ओपन है। एंड यहाँ पर अगेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर वायरिंग दी हुई है, एक्चुअली ये आई थिंक ये कोई चीज़ ऊपर भेज रहे इसके लिए है। यहाँ पर सब चीज़ें आप देख सकते हो, मस्त हवा आती है, गैलरी काफ़ी बड़ी, लेकिन यहाँ हम जाएंगे नहीं क्योंकि धूप हो रही है भाई।
एंड रमजान है, रोजे है, तो भाई गला सूख जाता है बोल बोल के। एक और रूम है लेकिन वहां पर करंटली अभी काम चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मैं एंटर कर पाऊंगा। मैं उनसे पूछता हूँ अगर मुझे परमिशन मिली, यानी कि वो जगह रही, क्योंकि गला पसार रहा है वहां पर, तो शॉली मैं आपको भी दिखाऊंगा। एंड सारे रूम में और बाथरूम है, एडेड है, सब मास्टर बेडरूम है, सिवाय एक के जो मैंने आपको पहले देखा है, जिसकी टाइल्स ऐसी ब्लू वाली थी, वो सिर्फ नॉर्मल रूम है, उसका वॉशरूम जो कॉमन है बाहर की तरफ। एंड थर्ड रूम की तरफ अभी हम जाते हैं, मैं कट करेंगे। सो गाइज, अगर आपने वीडियो आज तक भी देखी तो थैंक यू वेरी मच। अभी तो हम वीडियो ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं कब से बैठा हूँ यहाँ पर। एंड लाइट भी चली गई थी बीच में, तो उस पर पीसी ऑफ करना पड़ा, तो अभी लाइट आई है, मैंने वापस ड्रोन चालू किया। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरे इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए नेक्स्ट वीडियो में।